भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे सामने दो तरह के संसार हैं। एक संसार है बाहर का संसार और एक है भीतर का संसार। व्यक्ति वही है लेकिन वो दोनों संसार के अंदर जीता है। एक को हम लौकिक जगत कहते हैं, एक को हम पारलौकिक जगत कहते हैं। एक व्यवहार का जगत है और एक निश्चय का जगत है। इसलिए दो भागों के अंदर बांटा गया है कि बाहर का सच और भीतर का सच। हम देखेंगे कि बाहर का सच क्या है और भीतर का सच क्या है, फिर दोनों का आपस में ब्लेंडिंग करके, सामंजस्य बिठा करके, संतुलन बिठा करके हम एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे कि वह व्यक्ति भीतर और बाहर के सच में संतुलन स्थापित करके एक अच्छा इंसान में बने, एक अच्छा व्यक्तित्व बने। सबसे पहले हम बाहर के सच की बात करते हैं। बाहर का सच मतलब हमारा बाहरी जगत, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा पर्यावरण, ये पूरा कॉस्मोस, ये पूरी धरती, ये सारा बाहर का जगत है। और आज इस ग्लोबलाइजेशन ने तो बाहर के जगत को इतना नजदीक ले आए हैं कि हम अपने कंप्यूटर पर बैठ करके पूरे जगत की यात्रा कर सकते हैं। पूरे जगत के एक एक देश और मैप के ऊपर जो है, हम एक एक छोटे छोटे घर गांव तक को देख सकते हैं। ये विज्ञान का प्रभाव है। तो अब हम एक वसुधैव कुटुंब के सदस्य बन गए हैं, हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के सदस्य बन गए हैं। इसीलिए हमें भीतर के और बाहर के सच का संतुलन बिठाना पड़ेगा। बाहर का सच ये है कि हम व्यक्ति से प्रारंभ करें, क्यों कि सारा जीवन व्यक्ति को जीना होता है। व्यक्ति को अच्छा बनाना पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम चाहता है कि प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर विश्लेषण करके हम व्यक्ति के अंदर गुणों को उत्पन्न करें, व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को उत्पन्न करें, व्यक्ति के नकारात्मक भावों को मिटा करके सकारात्मक भावों का बीजारोपण करें, बच्चों में, युवा पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण करें और हम एक स्वस्थ समाज के सदस्य बने। हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने जिसमें सबको सुख मिले, जिसमें सबको शांति मिले और सब भाईचारा, प्रेम, आनंद के साथ जी सके। मुख्य हमें इस जगत में जीना है, आनंद के साथ जीना है, क्योंकि हमारी सारी दार्शनिक परंपरा कहती है कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है और मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित दिमाग मनुष्य के पास है। इतना विकसित दिमाग, ये 84 लाख जीवा योनि जो इसी बाहरी जगत के अंदर जीती है, उसमें किसी के पास में इतना विकसित मस्तिष्क, विकसित दिमाग, पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा उनके पास में नहीं है। तो भाई और बहनों, हम बाहर के सच की बात करते हैं। बाहर का सच ये है कि हमारी सूर्योदय से पुनः सूर्योदय हो, यानी 24 आवर्स में हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि किसी प्राणी को भी किंचित मात्र भी हमारे द्वारा कष्ट ना हो, हमारे द्वारा दुख ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है और यही मानव धर्म है। इसीलिए इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं और सभी जीना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। इसलिए हम किसी को दुख क्यों दें? क्योंकि जब दुख हमें प्रिय नहीं तो हम किसी को दुख क्यों दें? हमें वही व्यवहार करना है जो कि दूसरे हमारे साथ में करे और हमको प्रिय लगे, वैसा व्यवहार करना है। तो हम प्रारंभ से देखें कि मनुष्य ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं और संयुक्त परिवार होता है तो चाचा चाची और अन्य सदस्य, भाई भतीजे वगैरह रहते हैं।
हमारी भारतीय परंपरा में संयुक्त फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम लंबे समय से चला था। दो दो तीन तीन पीढ़ियां एक साथ जीवन यापन करती थी और बड़े आनंद के साथ रहती थी। उन सबको आनंद के साथ में रहने का सूत्र यही है कि हम एक दूसरे की भावना का सम्मान करें। बुजुर्ग लोग हैं वो छोटों को वात्सल्य दे, और छोटों का कर्तव्य है कि वह बुजुर्ग को सम्मान दे। जब वात्सल्य और सम्मान दोनों मिल जाते हैं, दोनों का गठबंधन होता है, तो हमारा जीवन बहुत सुखी बन जाता है। भाई और बहनों, दर्शक गण, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है, शेल, और जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है वेयर देर इज ए शेल देर इज ए लाइफ, इफ देर इज नो सेल देर इज नो लाइफ। मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, टेबल पड़ी है, इनमें शेल्स नहीं होती, इसलिए निर्जीव है ये। और जो निर्जीव होता है उसको कोई सुख दुख नहीं होता, वो कोई संवेदना नहीं करते, वो कोई अनुभव नहीं करते, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनमें चेतना नहीं होती है। सारी बात चेतनाशील प्राणी के लिए होती है, सुख दुख चेतनाशील प्राणी कोई होता है। इसीलिए हम भीतर और बाहर के सच की जो बात है वो चेतनाशील प्राणियों के संदर्भ में कर रहे हैं। और जितना पुद्गल है, जितना ठोस है, जितना पदार्थ है, ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूतों से ये हमारी सृष्टि बनी है, और पंचभूतों से हमारे जीवन का पोषण होता है।